Today, major short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani Group. It's the family-owned businesses of Asian billionaire Gautam Adani. India's Adani Enterprises is facing unprecedented turmoil. Its shares have plunged by nearly 20%. Well, overall markets are under a lot of pressure, and Adani Group stocks, they are falling in trade today. Hindenburg said Adani pulled off the largest con in corporate history. It says Adani companies did a brazen stock manipulation. 1937 में अमेरिका में एक हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ था, और जिस तरह 1937 में हिंडनबर्ग का ब्लिम्प आसमान से जमीन पर गिरा था, उसी तरह से 2023 के हिंडनबर्ग डिजास्टर में अडानी जी का स्टॉक आसमान से जमीन पर गिर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी पर कुछ बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, और अडानी ने अपने रिस्पॉन्स में इसे भारत के ऊपर एक अटैक और भारत के खिलाफ एक कंस्पिरेसी बोला है। तो क्या सच है, क्या झूठ है, और क्या ये भारत का नाम खराब करने के लिए एक कॉन्ट्रोवर्सी है? ये पता करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जानने से पहले पता करते हैं कि भैया ये हिंडनबर्ग है क्या। Hindenburg Research website says it specializes in forensic financial research. It says it has decades of experience in the investment management industry. An Indian Express report says that over the last few years, Nate Anderson, the founder of Hindenburg, has published critical research and analysis of alleged corporate fraud that have triggered investigations and regulatory action. A Bloomberg report even says that over the past few years, Nathan Anderson has made a name with analysis that sends stocks sinking. ये एक फर्म है जो basically बड़ी publicly listed companies में research करके fraud को expose करती हैं, और उन companies पर एक short position लेती हैं। यानी इनको पता है कि इनके research के publish होने के बाद most likely उन companies की stock value गिरने वाली है। तो ये पहले उस company के stocks बेचते हैं, और जब company की stock की value गिर जाती है, तो उसको सस्ते भाव में खरीद लेते हैं। इन्होंने इस तरह का research और short पोजीशन निकोला नाम की कंपनी के साथ किया था, और उनका स्टॉक भी गिरा दिया था। और इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं अडानी के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि अडानी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े लेवल पर स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट $218 बिलियन का। उन्होंने अडानी के ऊपर अकाउंटिंग फ्रॉड का भी आरोप लगाया है, और इस एलिगेशन को क्रेडिबिलिटी इस बात से भी मिलती है कि अगर आप देखें तो पिछले 2.5 सालों में अडानी की जो वेल्थ है वो 13 टाइम्स इंक्रीज हुई है। हिंडनबर्ग का कहना है ये वेल्थ इंक्रीज मोस्टली अडानी के स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से हुई है। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग, अडानी की कई कंपनीज बहुत अनसस्टेनेबल डेट में चल रही हैं, और उनका नेगेटिव फ्री कैश फ्लो भी चल रहा है, और इन सब के बावजूद इनके स्टॉक्स 80% से ओवरवैल्यूड हैं। हिंडनबर्ग का ये भी आरोप है कि अडानी की कंपनीज वॉश ट्रेडिंग जैसी प्रैक्टिसेस करके अपने स्टॉक्स की आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ा रही हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि इनके स्टॉक्स बहुत डिजायरेबल हैं स्टॉक मार्केट। हिंडनबर्ग ने ये भी बोला है कि इन्होंने सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया को भी कॉन्टैक्ट किया है, जिनसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन सारे चार्जेस पे सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है अडानी को। अब इतने बॉम्बशेल रिपोर्ट की वजह से अडानी की नेटवर्थ बेसिकली एक हफ्ते में 50 बिलियन घट गई। पाकिस्तान भी बेचारा इस समय पे सोच रहा होगा कि यार हमें ही मिल जाता वो पैसा, है 2-3 साल के लिए बिजली भी आ जाती घर में। इस समय अडानी और पाकिस्तान के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि सबसे पहले कंगाल कौन बनेगा। लेकिन घबराइए नहीं, मुझे लगता है कि ये रेस एटमी ताकत ही जीतने वाली है। इस कंट्रोवर्सी के निकलने के जस्ट पहले अडानी ने एक FPO लॉन्च किया था, जिसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिसमें कि एक स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपने स्टॉक्स ऑफर करती है लोगों को खरीदने के लिए। योर कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड, योर शेयर्स आर ट्रेडेड, बट द प्रमोटर, द ओनर हु हैज हु वांट्स टू सेल अ बंच ऑफ हिज शेयर्स, इन दिस केस द अडानीज हैव अ लॉट ऑफ शेयर होल्डिंग, इट्स ऑलमोस्ट इन द 70s, सो दे कैन सेल सम ऑफ दोस शेयर्स। और इस FPO में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे कि सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल और अंबानी जैसे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था। और क्योंकि FPO के बाद अडानी का स्टॉक इतनी जोरों से फ्लक्चुएट कर रहा है, इतनी जोरों से गिर रहा है, इसलिए इस डर से कि कहीं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का पैसा भी ना डुबा दे, अडानी ने इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इस FPO को भी कैंसिल कर दिया है। यार ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी कारगर साबित हुई है कि राहुल गांधी और फरदीन खान भी सोच रहे होंगे इस समय कि यार हिंडनबर्ग को किसी तरह से मना के एक मोदी पर भी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, उसी से मदद हो पाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से तो मोदी की ही मदद हो रही है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको।
अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिस्पांस में अडानी ने एक 413 पेज का बहुत लंबा चौड़ा रिस्पांस भेजा है, लेकिन उसके रिस्पांस में फिर से हिंडनबर्ग ने रिप्लाई किया और कहा कि भैया इन 413 पेजेस में से सिर्फ 30 पेजेस रेलेवेंट हैं और हमारे मेजॉरिटी सवालों का यानी 88 क्वेश्चंस का तो जवाब भी नहीं दिया है इस रिपोर्ट में। इनफैक्ट हिंडनबर्ग के मुताबिक जो जवाब भेजा है अडानी ने उससे जो एलिगेशंस लगाए थे इनिशियली हिंडनबर्ग ने वो और भी पुख्ते हो जाते हैं। दे स्टैंड बाय द रिपोर्ट एंड अडानी ग्रुप रिस्पांस आर्ग्यूड पॉइंट्स We did not raise. तो अब इस सारी कंट्रोवर्सी और प्रेशर के रिस्पांस में अडानी के सीएफओ ने हाल में ही आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड में भारत का फ्लैग लगा के रखा हुआ था और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये अडानी पे जो अटैक है वो एक तरह से भारत पर अटैक है और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक तरह की फॉरेन कंस्पिरेसी है भारत के खिलाफ, भारत का नाम खराब करने के लिए। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या इस तरह के इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और जो रिसर्च ग्रुप्स होते हैं क्या उनको सही मायने में ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, पिछले कुछ सालों में ने देखा है कि फ्रीडम हाउस और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिन्होंने इंडिया के ऊपर डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के रिपोर्ट्स निकाले हैं और इंडिया को डाउनग्रेड किया है उनमें, इन ऑर्गेनाइजेशंस की मेथोडोलॉजी और फंडिंग ऐसी होती है कि अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशंस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पाया था कि 12 से ज्यादा प्रोमिनेंट रिसर्च थिंक टैंक्स जो हैं अमेरिका के, उनको फॉरेन गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए मिले हैं। अमेरिका की सबसे रिस्पेक्टेड थिंक टैंक्स में से एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, उनको कतर से बहुत बड़े बड़े डोनेशंस मिलते हैं, उनको चाइना से बहुत बड़े बड़े डोनेशंस मिलते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एग्जांपल ले लीजिए, उनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि उनको यूरोपियन यूनियन से, फ्रांस से और स्वीडन जैसे देशों से फंडिंग मिलती है। फ्रीडम हाउस, जिन्होंने इंडिया को हाल में ही पार्टली फ्री डिक्लेयर किया था, उनको खुद यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों से फंडिंग मिलती है, इसीलिए तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्वीडन में जो इमिग्रेंट्स के रायट्स हो रहे हैं उस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से और देशों से इनको फंडिंग मिल रही है, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, उस फंडिंग को आप देखकर सोच सकते हैं कि इनकी रिसर्च सही मायने में कितनी अनबायस्ड होगी। उनकी रिसर्च तो वैसे ही अनबायस्ड है जैसे ढिंचक पूजा एक बहुत फेमस पोएट है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी बायस्ड है? अगर आप आर्ग्यूमेंट भी देखें हिंडनबर्ग के तो जनरली काफी सॉलिड दिखते हैं और हिंडनबर्ग इंडिया को अटैक नहीं कर रहा है। हिंडनबर्ग क्लियरली बोला है कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और भारत की ग्रोथ वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे, वो सिर्फ अडानी को ब्लेम कर रहे हैं और सिर्फ अडानी को टारगेट कर रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि अडानी के सीएफओ जो हैं वो कुछ और ही क्लेम कर रहे हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर से भी क्रेडिबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट स्वीस और सिटी बैंक ने अडानी के बॉन्ड्स को प्राइवेट क्लाइंट्स के लोन्स में कोलैटरल की तरह लेने से इनकार कर दिया है, इसके बावजूद कि अडानी ने कभी भी किसी लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है अडानी के लिए। तो इसको तुरंत एक फॉरेन कंस्पिरेसी बोल के कि भैया ये तो भारत की इमेज खराब करने के लिए किया गया है, इल्यूमिनाटी जो है वो भारत को रोकना चाहती है, ये कहना मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ठीक है इससे पहले कि हमारे पास पूरा प्रूफ आए। तो अडानी के साथ आगे जाके क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि अडानी इंडिया में एक तरह से ऑलमोस्ट टू बिग टू फेल हो गए हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया इससे मोदी की इमेज बहुत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी ने अडानी के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ भाई, सही बात है। ये देखिए मोदी और अडानी की पार्टनरशिप। सीधी बात यह है कि भारत में कोई ऐसी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी अडानी के साथ रिलेशनशिप ना हो या जिसके अडानी के साथ प्रोजेक्ट्स ना हो। और क्योंकि अडानी की इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिलेशनशिप्स है, इसलिए मुझे लगता है कि अडानी को ये डूबने नहीं देंगे कम से कम। इनफैक्ट इंडिया का बैंकिंग सिस्टम भी काफी लिंक्ड है अडानी के साथ। बट द फैक्ट इज दैट इफ देयर एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन और देयर प्रोजेक्शन ऑफ एन 85% डिक्लाइन इन अडानी स्टॉक प्राइसेस कम्स ट्रू, एंड आई एम वेरी केयरफुल पुटिंग दोस कोट मार्क्स लाइक दैट, इफ इट कम्स ट्रू देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ डैमेज सफर्ड बाय सम इंडियन बैंक्स and also some mutual funds. So most mutual funds in India are not investors in Adani stock, but a lot of debt mutual funds might have lent money to Adani out of their liquid funds, for example, or debt funds, for example, because Adani has shifted aggressively to bonds over the past few years, say over the past 3 or 4 years, to reduce their dependence on banks. So once again, Adani Group is so big and so critical to the Indian banking sector that if this crisis continues,
This affects all of the stock markets and particularly the Indian banking sector. और देखिए एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैंने मिस की हैं, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में भी नहीं आई हैं, और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जिससे कि ये वीडियो पूरी तरह से रिडंडेंट हो जाए और इररेलेवेंट हो जाए, लेकिन फिर भी ये चार्जेस काफी सीरियस हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि अडानी क्या इन चार्जेस को प्रॉपरली रिफ्यूट कर पाते हैं या नहीं, और अगर ये चार्जेस प्रूव होते हैं तो क्या गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ कड़ा एक्शन लेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलायबल है या नहीं है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो रिलायबल है या नहीं है, आपको क्या लगता है आगे जाकर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आप अगर हमारे मूवीज के बारे में और जानना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे श्याम शर्मा शो के पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड बढ़ाओ।